बॉलीवुड सेलिब्रिटीज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अयोध्या के दर्शन किए हैं। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर सेलिब्रिटीज काफी खुश हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। किसी के आंखों में खुशी के आंसू हैं तो किसी ने कहा बचपन का सपना सच हो गया। सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर समेत कई कलाकारों ने राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं शेयर की। अयोध्या में जिस पल का इंतजार सदियों से किया जा रहा था, आखिर वो पल आ ही गया। भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है, जिसके बाद रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। इस अलौकिक पल का साक्षी बॉलीवुड भी बना। मुंबई से तमाम हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं सुभाष घई ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। बचपन से सपना देखता था, अयोध्या के बारे में देखता था, सुनता था। आज स्वयं अयोध्या में हूं और वो भी इस ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक भारत का प्रतीक बना मानस श्री राम मंदिर, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? मैं आज इतना खुश हूँ कि हम बचपन से स्वप्न देखते थे, अयोध्या के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे। आज अयोध्या में स्वयं है हम, और वो भी इस ऐतिहासिक दिन में। सबको मेरा श्री राम। वहीं महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नितिश भारद्वाज ने कहा कि मंदिर के माध्यम से एक बार फिर पुराना गौरव दिख रहा है। नितिश ने इस मौके पर लता मंगेशकर के गीत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र को याद किया। आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का रामलला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है बार बार, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनसेंस, वो प्रेम की मूर्ति है, मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप ये लव स्टोरी कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ना, तो सारे भाव आ रहे हैं मन में। कमिटमेंट, जो प्रजा के प्रति अपना राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे।